हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं आ चुकी हूँ एक नई आइसक्रीम लेकर। देखिए, आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आ चुकी हूँ। तो पहले सबसे पहले मेरे आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड। तो चलिए, हम आइसक्रीम की रेसिपी बनाकर लेकर आए हैं आज आपके लिए। ये आइसक्रीम हमने दूध और सूखा पाउडर से बनाया है केवल। तो ये आइसक्रीम की मेरी रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड, जरूर से जरूर आप बताइएगा। तो देखिए, आइसक्रीम हमने बनाया है। ये गर्मियों का सीज़न है तो हम आइसक्रीम बहुत खाते हैं। ये हमने बच्चों के लिए आइसक्रीम बनाया है अपने घर पे, क्यों बाहर से खाना, घर पर ही खाना। तो चलिए, हम बनाते हैं आइसक्रीम की रेसिपी। देखिए, इससे पहले आप मेरे चैनल पर अगर रहे हो तो फिर से कहते हो चैनल को फ्रेंड जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा फ्रेंड, क्योंकि इसी से हमें प्रोत्साहन मिलता है हमें वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए, हमने ले लिया है एक कटोरी, छोटी कटोरी से चीनी, 2-3 चम्मच मलाई, ताज़ा है या आज का ही मलाई है हमने निकाल कर रखा है, या आप स्टोक किया हुआ भी ले सकते हैं फ्रिज में 2-3 दिन पे रखा हुआ। देखिए, हमने एक कटोरी सूखा पाउडर लिया है, सूखा दूध और 2 इलायची हमने लिया है, इसी में किशमिश और ये पिस्ता बादाम हमने ले लिया है 6-7। तो चलिए, अब हम दिखाते हैं। देखिए, हम ये 1/2 kg का गिलास है, हमें इससे 2 गिलास या 1.5 गिलास दूध ले लेना है। तो चलिए, हम पहले 1 गिलास डाल लेते हैं गैस पे कढ़ाई बैठाकर, बाद में हम 1 गिलास और डालेंगे। पहले हम मलाई डालेंगे। देखिए, हम मलाई डाल देते हैं इसमें। मलाई डालकर थोड़ा सा हम करछी से अच्छी तरीके से चला लेना है, तभी इसमें हमें दूध डाल देना है। तो देखिए, हमने दूध थोड़ा थोड़ा कर इसमें हम डाल देंगे फ्रेंड। तो चलिए, दूध डालकर इसको अच्छी तरीके से मिला देना है। अभी हम थोड़ा थोड़ा कर ही दूध डालते हैं क्योंकि हमारा कढ़ाई छोटा है। तो चलिए, हम और दूध डाल लेंगे। दूध डालकर पूरा अच्छी तरीके इस तरीके करछी को गोल गोल घुमाना है आपको। तो देखिए, हमने 1 गिलास पूरा दूध डाल दिया फ्रेंड, और हमने 1/2 गिलास डाला है। दूध की क्वांटिटी आप हिसाब से ही लीजिएगा। देखिए, हमने और 1/2 गिलास दूध है, 1 गिलास 2 गिलास हमारा दूध हो चुका है। ये मतलब 1 kg हमारा दूध, 1 kg टोटल हमने दूध लिया है। 1 kg दूध को आपको सुखा कर 1 पाव करना होगा, तभी हमारा आइसक्रीम का क्वांटिटी अच्छा जमेगा। तो चलिए, हम दूध को खोला कर पहले पूरी तरह के अच्छी तरीके से गाढ़ा कर लेते हैं इसकी क्वांटिटी को। देखिए, हमारा इसमें मलाई डाले हैं तो हमारा कितना अच्छा कलर आया है। मलाई डालने से क्रीमी क्रीमी और हो जाता है। तो देखिए, इसी प्रकार हम दूध को चलाते रहें क्योंकि हमारा दूध भी सटेगा नहीं। चलिए, हम और दूध गर्म हो एकदम खदकने देते हैं इसी प्रकार, और चलाते रहेंगे हम दूध को। जब हमारा 1/2 दूध गल खदक कर सूख जाएगा, तभी हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे, क्योंकि और दूध हमारी गाढ़ी हो जाएगी तुरंत ही, और जल्दी से हमारा आइसक्रीम के दूध खदक कर रेडी हो जाएगा। आप गर्मियों में रोज़ रोज़ नए नए आइसक्रीम का लुत्फ उठाइए। मेरे वीडियो में बेल का आइसक्रीम, ब्रेड का आइसक्रीम, सब हमने आइसक्रीम बनाकर वीडियो को शेयर किया है। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर से देखिए और शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा फ्रेंड। तो देखिए, इसी प्रकार हमने दूध को रखत खा कर ऐसे ही झाग लाते रहेंगे, चलाने हैं बार बार। तो चलिए, कम से कम 1/2 घंटा दूध हमारा खदक चुका है। अब इसमें हम पाउडर को ऐड कर देते हैं। दूध का पाउडर, 1 ही पॉकेट हमने दूध का पाउडर लिया था। तो देखिए, डालते ही ये कितना गाढ़ा हो चुका है। अब इसको इसी तरह करछी को गोल गोल घुमाना, नहीं तो इसमें दाना दाना बारीक बारीक रह जाएगा। अब गोल गोल चलाइएगा तो पूरा ही मिल जाएगा इसमें। तो देखिए फ्रेंड, अब हमारा दूध की क्वांटिटी भी कितना कम हो चुका है, आपको भी मालूम ही चल रहा होगा वीडियो में देख कर।
देखिए हमारा खटककर पूरा रेडी हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ी देर के बाद चीनी भी ऐड कर देंगे। इलायची पहले हम कूट कर डाल देते हैं क्योंकि इलायची का भी स्वाद आ जाएगा इसमें। इलायची डालने के बाद 10 मिनट पकाने के बाद तभी हम चीनी को ऐड कर देंगे, चीनी डालने से, क्योंकि पानी और छोड़ देता है तो फिर और हमको सुखाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम एक कटोरी, ज़्यादा चीनी हमने नहीं लिया है, हमने एक ही कटोरी, छोटी कटोरी, देखिए हमारा कितना छोटे कटोरी है, कम से कम 50 ग्राम के करीब चीनी होगा। देखिए हम चीनी को अब गला लेते हैं। देखिए हमने ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमारा दूध थोड़ा देर और पकाने के बाद हमारा दूध बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसी प्रकार हमें चलाता रहना होगा क्योंकि नहीं तो दूध तो सूख जाता है अंदर से, तो आइसक्रीम हमारी अच्छी नहीं बनेगी, जली जली गंध आएगी, इसीलिए हमको इसी तरह चलाता रहना है। तो चलिए अब हमारा दूध को और थोड़ा गाढ़ा होने देते हैं। अब इसमें हम पिस्ता बादाम काटकर, हम पतला पतला काटकर लिए हैं, इसी में हम डाल देते हैं। जो किशमिश भी लिए थे उसको भी हमने काटकर इसी में डाल देंगे। अब हमने दूध का गैस भी बंद कर दिया है, अब इसको आधे घंटे के लिए एकदम से हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए इसको डालकर चला देते हैं और इसे हम ठंडा होने के लिए, आधा घंटे के लिए एकदम रेस्ट लेने देंगे। देखिए ये भी हम उंगली डालकर देख लेंगे, अगर उंगली आपका गर्म लगे तो अभी मत डालिएगा। हमारा दूध को दूध ठंडा हो चुका है, ऐसा हमने छोटा छोटा 3 गिलास लिया है, गिलास है कुछ भी ले सकते हैं आप आइसक्रीम जमाने के लिए। इसी में हम चम्मच से डाल देंगे, पूरा भरकर नहीं डालेंगे, थोड़ा सा कम ही डालेंगे। आप इसको डालने के बाद इसको कुछ से बंद कर दीजिए, हमने प्लास्टिक के पेपर से बन कर रख दिया था, आपको हमने नहीं दिखाया। देखिए हमने छोटे गिलास भी 3 गिलास हमने ले लिया है, 1 kg दूध में कितना हमारा आइसक्रीम बनकर रेडी हुआ है। तो देखिए तो चलिए इन सब को अब हम पेपर से बांधेंगे थोड़ा, हम आधा घंटे के बाद पहले हम फ्रिज में इन लोगों को रखेंगे। देखिए हमने फ्रीजर में रख दिया है, अब इनको हम बंद कर देते हैं फ्रीजर को। 10 घंटे या 12 घंटे के बाद हमारे बिल्कुल आइसक्रीम बनकर रेडी हो जाएगी। देखिए हमारा आइसक्रीम बिल्कुल रेडी हो चुका है बनकर, देखिए हम आपको उठाकर दिखाते हैं। देखिए आइसक्रीम हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, इनसे आइसक्रीमों को हम फूलों से सजाए हैं। अब इसमें हम पिस्ता बादाम काट कर डाल देंगे। देखिए हमने ऊपर से पिस्ता बादाम काट कर सजा दिया है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा फ्रेंड। अब वीडियो